बाबलपुर माशाल्लाह मुझे जो खुशी है और मैं अल्लाह का खास शुक्र अदा करता हूं कि उसने मेरी कौम को जगा दिया कि जब मेरा मुल्क बन रहा था तो एक नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, और मेरा तेरा रिश्ता क्या। ला इलाहा इल्लल्लाह एक इंसान को गैरत देता है। जो इंसान जिसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह आ जाता है वो कभी किसी के सामने नहीं झुकता, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, क्योंकि उसकी उम्मीद अल्लाह से है कि अल्लाह तेरी इबादत करता हूं, तेरे से मदद मांगता हूं। जो ला इलाहा इल्लल्लाह समझ जाता है बावलपुर वो कभी लोटा नहीं बन सकता। मेरे से वादा करो कि आपने इस लोटे को किसी सूरत जीतने नहीं देना। लोटों के दिन खत्म हो गए, जमीन फरोशों के दिन पुराने पाकिस्तान में रह गए। एक आजाद इंसान, एक आजाद कौम उसी की परवाज ऊपर होती है। 30 साल से इस मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर लेके जा रहे हैं, 30 साल से। एक ये शरीफ खानदान और दूसरा जरदारी खानदान, ये जो आज दोनों इकट्ठे हो गए हैं, ये दोनों 30 साल से पैसा चोरी कर रहे हैं। तो सदके जाऊं, एहसास प्रोग्राम में डाल देता हूं मरियम को, बेचारी के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। दूसरा आपने देख ही लिया चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ को, जूते देखते पॉलिश शुरू कर देता है। और जिस तरह मैंने कहा बूट देखते तो खास पॉलिश शुरू कर देता है, और बड़े बूटों की खास ऐसी चमकदार पॉलिश करते कि शक्ल नजर आती है उसको उम्र में। लोगों को बेचारों को समझ नहीं आ रही कि बिजली का बिल दे या बच्चों की फीस या बच्चों के लिए खाना पीना सब महंगा हो गया, तो ये आए किस लिए थे? ये आवाम की खिदमत करने नहीं आए थे, ये डाकू अपने केसेस जो आवाम का पैसा चोरी किया था वो माफ करवाने आए थे। इन्होंने पार्लियामेंट में अमेंडमेंट करवा के नैब के कानून में 1100 अरब रुपया माफ करवाया है। बेरोजगारी बढ़ रही है, टैक्स कलेक्शन कम हो रही है, एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं, जो बाहर से पाकिस्तानी रिमिटेंसेस भेजते थे वो कम हो रहे हैं, मुल्क की जो मायशत है वो सुकड़ रही है, कर्जे बढ़ रहे हैं। ये पाकिस्तान को अंधेरे की तरफ लेके जा रहे हैं। अब इसका सिर्फ एक तरीका है मेरे पाकिस्तानी, तैयार हो जाओ, इसका सिर्फ एक तरीका है कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाए।